आवाज हटा दे। बस शांत रहिएगा सर। अच्छा जल्दी बैठ ना। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10th हिस्ट्री और चैप्टर 2, इस चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। ये इस बार के नए सिलेबस में जोड़ा गया है क्लास 10th में, और ये पार्ट 1 होने वाला है क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो इसे दो पार्ट में बनाया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले पार्ट का। सबसे पहले पार्ट में सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत आंदोलन तथा असहयोग आंदोलन। सबसे पहले अगर बात प्रथम विश्व युद्ध की आएगी तो यहाँ पे आपको 1914 से लेके 1918 का समय याद रखना है, क्योंकि यही वो समय अंतराल था जिसमें प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। और आगे आपको खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले सुनिए कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव तथा युद्ध पश्चात परिस्थितियां क्या थी। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, उससे हमारे देश भारत पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, और इस युद्ध के समाप्ति के बाद हमारे भारत देश के अंदर क्या क्या परिस्थितियों में बदलाव आया, इन चीजों के बारे में जानना है। सबसे पहला पॉइंट है एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हुआ। पहले से जो सिस्टम चल रहा था हमारे भारत देश में वो समाप्त होने के बाद एक नए आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का जन्म हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। दूसरा पॉइंट है रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी हुई जिसकी भरपाई कर्ज लेकर और करों में वृद्धि करके किया गया। जिस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफी नुकसान हुआ, काफी लोग मारे गए, इसी सब को देखते हुए जो रक्षा बजट था हमारे भारत देश का, इसको बढ़ाया गया और इसके लिए कई अलग अलग जगहों से कर्जे भी लिए गए ताकि अपने रक्षा बजट को बढ़ाया जा सके, और सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया तथा आयकर शुरू कर दिया गया। जो टैक्सेस थे ना, वो टैक्स को बढ़ा दिया गया, क्योंकि हमारी जो सरकार होती है या किसी भी देश का जो सरकार होता है उसका मेन जो अर्निंग का स्रोत है, सोर्स है, वो एक प्रकार का टैक्स से ही किया जाता है। तो जितने भी टैक्स थे उसमें बढ़ोतरी किया गया। इसके अलावा ब्रिटिश सेना के लिए सिपाहियों की जबरन भर्ती भी हुई। हमारे देश में क्या किया गया, जो अंग्रेज का शासन चल रहा था उस समय, तो हमारे भारत देश के रहने वाले नागरिकों को जबरदस्ती वो अपने सेना में भर्ती कर रहे थे। फसल नष्ट हो जाने की वजह से खाद्यान्न की भारी कमी कमी हो गई, मतलब कि खाने पीने की भी समस्या हो गई। गेहूं, चावल, आटा, दाल इत्यादियों की समस्या बहुत ज्यादा फैल गई। इसके अलावा जो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में मारे गए लोग थे, इनके मरणोपरांत इनका सही तरीके से दाह संस्कार वगैरह नहीं हुआ, जिससे बीमारियां और महामारियां फैलने लगा। अकाल की वजह से, मतलब खाद्यान्न की कमी से, भोजन की कमी के लाखों लोगों की मृत्यु भी हो गई, बहुत सारे लोग यहाँ पे मर गए। तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में था। अब हम जरा सत्याग्रह के बारे में विचार करेंगे, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे बताया था खिलाफत और असहयोग के बारे में, तो अब हम आ जाते हैं सत्याग्रह के बारे में। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है। यह सत्य तथा अहिंसा पर आधारित एक नए तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था। मतलब सत्याग्रह का मतलब था कि सच्चाई के लिए बिना लाठी, बिना बम बारूद पिस्तौल उठाए हुए
अपने विचारों को प्रकट करना, आंदोलन को रखना। इसमें क्या होता था, इसके प्रमुख बिंदु अगर आपसे पूछे जाए तो आप बताएंगे, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आप किसी नेक काम के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं, तो आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ होता है। तो देखिए, कोई भी संघर्ष या आंदोलन होता है तो वो अन्याय के खिलाफ ही होता है, किसी न किसी जाति के खिलाफ होता है। तो उत्पीड़न से लड़ने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सत्याग्रह के अंदर सबसे पहले पॉइंट में कहा गया है, यदि आप सच्चे हो और आपका उद्देश्य नेक है और आप किसी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हो, तो आपको शक्ति प्रदर्शन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, लाठी चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बम गोला बारूद करने की जरूरत नहीं है। सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे बिना किसी प्रतिशोध की भावना या आक्रमकता, जो आक्रामकता होता है जो लड़ाइयों में हो जाता है, सहारा लिए बिना भी सफल हो सकते हैं। मतलब इसका दूसरा पॉइंट कहता है, जब भी कोई व्यक्ति अहिंसा के सहारे अपना आंदोलन करता है तो उसमें उसको आक्रामक होने की जरूरत ही नहीं है, वो बिना आक्रामक हुए, बिना क्रोध किए ही अपने लक्ष्य को पा लेता है। इसके अलावा है, उत्पीड़न की चेतना की झिकझोर कर उसे सच्चाई को स्वीकार करने और दमन का अंत करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। मतलब इनका ये कहना है कि आप इतने ज्यादा सीधा बन जाओ, इतने ज्यादा सच्चाई दिखा दो उनके सामने कि उनका दिल पसीज जाए। हालांकि ये सब बातें जो है वो किताबी होती है, ऐसा कुछ होता नहीं है। महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल बढ़ा दो, अगर आज के समय में आप ऐसा करते हो तो आपके दोनों गाल को लाल कर दिया गया, टमाटर बना दिया जाएगा। तो ये सत्याग्रह के कुछ प्रमुख बिंदु थे। हम आगे की तरफ चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किए गए सत्याग्रह के प्रारंभिक और आरंभिक प्रयोग क्या था। तो देखिए, सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में जान लीजिए। महात्मा गांधी जी हमारे देश के मतलब हिंसा के खिलाफ वाले लोगों में से एक थे। मतलब वो अहिंसा चाहते थे। जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया ना, ये महात्मा गांधी जी पे बहुत ही अच्छे से लागू होता था। महात्मा गांधी जी इन्हीं पॉइंट्सों को फॉलो करते थे। तो अब हम आपको बताते हैं कि महात्मा गांधी जी ने क्या क्या किया है। तो सबसे पहले तो उन्होंने चंपारण, जो बिहार का एक हिस्सा है, डिस्ट्रिक्ट है, वहां 1917 में दमनकारी बगान व्यवस्था के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों को प्रेरित किया था। पहले क्या होता था, अंग्रेज वहां पे मतलब जो किसान थे उनके साथ बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, जबरदस्ती उनसे नील की खेती करवाते थे, जबरदस्ती उनसे बगान में खेती करवाते थे। तो 1917 में महात्मा गांधी जी बिहार पहुंचे और इनके खिलाफ आंदोलन किया। इसके अलावा 1917 में खेरा गुजरात में किसानों को कर में छूट दिलवाने के लिए उन्होंने संघर्ष का समर्थन किया था। ये 1917 में ये दोनों तीसरे पॉइंट में आपको देखना है कि अहमदाबाद जो गुजरात का हिस्सा है, 1918 में यहाँ पे कपड़ा कारखाने में जो काम करने वाले मजदूर थे उनकी भी स्थिति सही नहीं थी, तो उनके मजदूरों में बढ़ोतरी करने के लिए, उनकी सैलरी में बढ़ोतरी करने के लिए, उनके बोनस में बढ़ोतरी करने के लिए महात्मा गांधी जी ने उतना समर्थन दिया और उनके लिए सत्याग्रह आंदोलन किया। तो ये तीन प्रमुख आंदोलन महात्मा गांधी जी के हैं। अब हम आपको इसमें रॉलेट एक्ट के बारे में बता देते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में एक नया कानून बनाया गया था और ये इम्पोर्टेंट भी है, मैं इसे VVI दे देता हूँ आपको, काफी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए, रॉलेट एक्ट में होता क्या था, इसका जो काम था, इसकी जो काम करने की शैली थी, उसमें राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने का प्रावधान था। मतलब कोई भी राजनीतिक कैदी हो उसको बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के 2 साल तक जेल में बंद करने का कानून बनाया गया, जो रॉलेट एक्ट के अंदर आता था। उद्देश्य क्या था, ये कानून क्यों बनाया गया, ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि भारत में राजनीतिक गतिविधियों का दमन करने के लिए इसका उद्देश्य पूरा हो सके। मतलब जितने भी लोग आजादी के लिए लड़ाई कर रहे थे, जितने भी अपने भारत को आजाद करवाने की कोशिश कर रहे थे, उनके आंदोलन को कुचला जा सके। ये अन्यायपूर्ण था, तो जी बिल्कुल, हमारे भारत देश के लिए तो ये बिल्कुल अन्यायपूर्ण था। कैसे, तो देखिये, भारतीयों की नागरिक आजादी पर प्रहार था, फंडामेंटल राइट्स मतलब उनकी जो आजादी थी उस पर प्रहार था, और इसके अलावा भारतीय सदस्यों की सहमति के बगैर ही पास कर दिया। मतलब हमारे भारत के कोई भी नेता इससे पूछा ही नहीं गया कि क्या यह नियम बनाया जाना चाहिए, इन्होंने, अंग्रेजों ने खुद ही इसको पारित कर दिया, रॉलेट एक्ट को 1919 में।
अब हम बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में। तो देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो बहुत ही बड़ा निर्मम अत्याचार किया गया हमारे भारतीयों के ऊपर। 13 अप्रैल 1919 की बात है, यहाँ पे अमृतसर में यह घटना घटी थी। इसमें लोग इसी रॉलेट एक्ट के कानून का विरोध करने के लिए प्रकट कर रहे थे, अपना अपने विचार कर रहे थे। ग्रामीणों की भारी भीड़ थी वहां पे। जलियांवाला बाग एक प्रकार का पार्क था, एक प्रकार का बैठने का जगह था, यहीं पे बहुत सारे लोग एकत्रित हुए थे। शहर के बाहर के लोगों के बारे में आपको पता है, उन्हें ज्यादातर चीज अपडेटेड नहीं पता होता। इस कारण से इन्हें यह नहीं पता था कि इस इलाके में लॉ लागू हुआ है, जहां पे एक साथ कई लोगों को खड़ा होना मना है। तो ये लोग तो गांव से आए थे, इन लोगों को पता नहीं था। उसी समय जनरल डायर जो था वो वहां पे पहुंचा और मैदान के बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे उन सभी को बंद कर दिया और पूरे भीड़ पर अंधाधुन गोली चलाना शुरू कर दिया। सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग वहां पे मारे गए। यही जलियांवाला बाग हत्याकांड था। तो हम बात कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, उत्तर भारत के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पे उतर गए। लोग मतलब आंदोलन करने लगे सड़कों पे उतर के, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस से मोर्चे लेने लगे। मोर्चे लेने का मतलब है पुलिस के साथ भिड़ंत करना शुरू कर दिया। जितने भी सरकारी इमारत थी उस पे बम वगैरह फेंकना शुरू कर दिया, हमला करने लगे अंग्रेजों पे। सरकार ने निर्ममतापूर्ण रवैया अपनाया, सरकार ने इन्हें समझाने के बदले इन पे दोबारा अटैक किया और लोगों को अपमानित और आतंकित किया, लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया। इस सत्याग्रह में जो लोग शामिल थे उन्हें जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया। जितने भी लोग थे उनको जमीन पर नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया गया, सड़क पर घिसट घिसट कर चलने के लिए मजबूर किया गया। जितने भी साहिबों थे, साहिबों मतलब जो पंजाब के जो पंडित टाइप के लोग होते हैं, उन्हें अंग्रेजों को सलाम ठोकने का मतलब कि सलाम ठोकने के लिए मजबूर किया गया। सभी अंग्रेजों को पैर छूने के लिए, घुटने छूने के लिए, सलाम ठोकने के लिए उनको मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, कोड़ों से उनकी पिटाई हुई और गुंजार वाला जो गांव था पंजाब का उसमें बम भी फेंके गए अंग्रेजों के द्वारा। इतनी निर्मम अत्याचार किया जा रहा था। इसी कारण से इस हिंसा को फैलते देखकर महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह को वापस ले लिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी का क्या मानना था कि हम अहिंसा से किसी भी आंदोलन को करेंगे, अहिंसा से किसी सत्याग्रह को करेंगे, लेकिन जिस तरह से खून खराबा बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसे देखते हुए महात्मा गांधी जी ने अपना रॉलेट सत्याग्रह ही वापस ले लिया था। कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? अब हम बात कर लेते हैं खिलाफत के मुद्दे के बारे में। तो देखिए, खिलाफत शब्द खलीफा से निकला हुआ है, ध्यान रखिएगा। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो ऑटोमन तुर्की के सम्राट होने के साथ साथ इस्लामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी था। ये तुर्की का तो सम्राट था ही, साथ ही साथ मैं आपको ऑटोमन के बारे में बता दूं, ये काफी प्रसिद्ध था और लोग इसे बहुत पसंद करते थे। प्रथम प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ, वर्ल्ड वार हुआ, तो उसमें तुर्की की तो हार हो गई और यह अफवाह फैल गई थी उस समय कि तुर्की पर एक अपमानजनक संधि थोपा गया है, उसे जबरदस्ती एक संधि पे साइन करवाया गया है। इसीलिए खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में अली जो बंधु थे उनके द्वारा मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो ये सारी चीजें खिलाफत के मुद्दे के अंदर था। अब देखिए, महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया था, इसे भी समझना जरूरी है। देखिए, तो रॉलेट सत्याग्रह की असफलता हो गई थी क्योंकि महात्मा गांधी ने इस प्रकार से फैल रहे हिंसा को देखते हुए रॉलेट एक्ट को वापस ले लिया, मतलब इसके द्वारा इसके लिए जो उन्होंने आंदोलन किया था उसे वापस ले लिया। महात्मा गांधी जी पूरे भारत में और भी ज्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि उन्हें पब्लिक का और ज्यादा सपोर्ट मिले, वो और ज्यादा लोगों को साथ में लेके फिर से एक नया आंदोलन शुरू करेंगे। उन्हें विश्वास था कि बिना हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अखिल भारतीय आंदोलन खड़ा नहीं हो सकता है। अब तक या तो हिंदू ही सपोर्ट कर रहा था या मुसलमान ही सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब महात्मा गांधी जी की इच्छा थी कि हिंदू और मुसलमान दोनों को साथ लाया जाए। इसीलिए उन्होंने खिलाफत का मुद्दा यहाँ पे उठाया था और अली बंधु का सपोर्ट भी किया था।
अब हमारा सबसे अहम पॉइंट आ गया असहयोग आंदोलन। तो देखिए जनवरी 1921 से फरवरी 1922 तक चला। असहयोग आंदोलन क्यों चला? तो भारत में जो ब्रिटिश शासन था, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन हो रही थी, उसकी स्थापना भारतीयों के सहयोग से हुआ था। क्योंकि आपको पता है शुरुआत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आया था कोलकाता में, तो ये तो बस व्यापार करने के लिए आया, लेकिन भारत लोगों के लालच के कारण, पैसे के लोभ के कारण, बिलायती दारू के कारण और गोरी मैम को देखते देखते ये सारे भारतीय बिक गए। उस समय के सारे नवाबों ने अपना पाला पटक दिया और अंग्रेज उस पर हुकूमत करने लगे। तो अब महात्मा गांधी जी का ये कहना था कि अंग्रेज तो हमारे भारत के लोगों के सहयोग से इतना आगे बढ़ा है, तो यदि हम उनका सहयोग करना छोड़ दें तो फिर वापस अपने देश चले जाएंगे। यदि भारतीय अपना सहयोग वापस ले लें किससे? ब्रिटिश से, तो वह शासन नहीं चला पाएगा। और असहयोग आंदोलन के चरण में क्या क्या बातें थी इसके बारे में जान लेते हैं। सरकार द्वारा दी गई जितनी भी पदवियां थी, जो सरकार सम्मान के साथ किसी को दिया था वो लौटाना, सरकारी नौकरी छोड़ देना, पुलिस अदालत और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, ये सारी चीजें किस में था? स्वज्ञा आंदोलन में था। और असहयोग आंदोलन के अंदर यही सारे पॉइंट्स आते हैं। तो हम बात कर लेते हैं असहयोग आंदोलन से संबंधित कांग्रेसी अधिवेशन। तो देखिए सितंबर 1920 की बात है, असहयोग पर स्वीकृति अन्य नेताओं द्वारा हुआ था, लेकिन दिसंबर 1920 में स्वीकृति पर मुहर इसकी शुरुआत की सहमति से हुआ था। ये दोनों पॉइंट इंपोर्टेंट रहेंगे, आप इसे याद रख लीजिएगा, सितंबर 1920 और दिसंबर 1920 में क्या हुआ था। विभिन्न सामाजिक समूह जिन्होंने इस भाग लिया था शहरों में, तो मध्य वर्ग के जो विद्यार्थी लोग थे, जो स्टूडेंट लोग थे, जो शिक्षक लोग थे, जो वकील लोग थे, इन लोगों ने इसमें सहयोग दिया था। ग्रामीण इलाकों में किसान ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, आदिवासियों ने भी इसमें अपना सहयोग दिया, और बगान में जितने भी मजदूर काम कर रहे थे उन सभी ने भी इसमें अपना समर्थन प्रदान किया था, तब जाके ये आंदोलन बहुत बड़ा हो पाया था। इस तरह से आपने देखा क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 2, जिसका नाम था भारत में राष्ट्रवाद, इसके पार्ट 1 यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। ये न्यू सिलेबस के अनुसार बनाया गया है, अब आपको पार्ट 2 के लिए इंतजार करना पड़ेगा। आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।